दोस्तों मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि मार्केट में एक होता है ह्यूमोलॉग इंसुलिन मिक्स इंसुलिन या नो मिक्स या यूग्लिसिन मिक्स, तीन इंसुलिन होती हैं, ह्यूमोलॉग मिक्स, ह्यूमोलॉग मिक्स 25-75 कहलाती है, दूसरा आती नो मिक्स 30-70 और तीसरा आता है यूग्लिसिन मिक्स 25-75। इसमें फ़र्क क्या है इनमें से, और इसका कंपेरिजन करेंगे हम लोग राइजोडेक, आज की जो डेट में जो सबसे लेटेस्ट सबसे महंगी इंसुलिन, इसे कंपेयर करेंगे हम। तो ये जो तीनों इंसुलिन होती हैं इसके अंदर करीब 75% ये होता है इंटरमीडिएट एक्टिंग, ये दो इंसुलिन मिक्स होती है 30-70। तो जो ज़्यादा होता है इंटरमीडिएट एक्टिंग होता है इंसुलिन, यानी कि होता है इंसुलिन होता है शॉर्ट एक्टिंग जिसका 8 घंटे काम करता है कम, दूसरा होता है कि इंटरमीडिएट यानी कि 12-24 घंटे काम करता है, तीसरा लॉन्ग एक्टिंग होता है जो कि मोर देन 24 आवर काम करता है। तो इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन होते हमारी इसका 70% ये होता है, 30% होता है इसके अंदर रैपिड एक्टिंग या 25% होता है ह्यूमोलॉग मिक्स में रैपिड एक्टिंग। तो हम अगर फोटो बनाऊँ मैं तो जैसे आप इंजेक्ट करते हैं तो नॉर्मली इंजेक्ट करने के बाद हमारा जो इंटरमीडिएट एक्टिंग पोर्शन है ये करीब 1.5 से 2 घंटे में ब्लड में जाना स्टार्ट होता है और जा करके करीब ये समझ लीजिए कि 4 घंटे में पीक करने लगता है, 4 घंटे में, और इसका पीक रहता करीब 8 घंटे तक, और उसका इसका ब्लड वैल्यू घटने लगता है और पूरा एक काम करता है करीब 16 से 18 घंटे तक। जबकि ये 25% बात करें जो ये जो 75% ये इसकी बात हो रही है, ये इंटरमीडिएट एक्टिंग है। जो रैपिड एक्टिंग पोर्शन जो कि नॉर्मली 1/3 ऑफ टोटल इंसुलिन मात्रा होता है, इसका फोटो बनाओ मैं अगर, तो ये जैसे हम इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्ट करने के विद इन 15 मिनट के अंदर ये ब्लड में चला जाता है, 15 मिनट के अंदर ब्लड में जाने लगता है और करीब ये 60 से 75 मिनट में पीक पहुँच जाता है। इसके बाद ये पीक रहता है करीब 1 घंटे, उसके बाद ये घटने लगता है, घटते घटते इसका ड्यूरेशन रहता है करीब नॉर्मली रियल एक्शन रहता है 3 घंटा, पर थोड़ा थोड़ा सा करीब 5 घंटे तक काम कर सकता है। जबकि हम जब खाना खाते हैं, अब खाने में क्या होता है सुन लो, जब हम खाना खाते हैं, अब बता खाने पर क्या होता है, सपोज हमने खाना खाया ये हम जैसे खाना खाते हैं तो 10 मिनट के बाद ब्लड शुगर बढ़ने लगता है, खाने के बाद अगर मान लो ये देखो 10 मिनट के अंदर ब्लड शुगर बढ़ने लगता है और हमारा ब्लड शुगर पीक करता है हमारा करीब 1 घंटे बाद, करीब पीक करता है हमारा 45 से 60 मिनट बाद पीक कर जाता है। इसके बाद फिर खाने के बाद जो शुगर जो है घटना शुरू हो जाता है और करीब 2 घंटे बाद ये, क्योंकि हमारे आँतों से जो खाना एब्जॉर्ब हो जाता है ये वैल्यू नीचे आ जाती है और 3 घंटे बाद, 3 आवर बाद एग्जैक्ट 3 घंटे बाद, सपोज ये खाना यहाँ स्टार्ट शुगर नॉर्मल शुगर सपोज ये 90 था खाने से पहले, तो 3 घंटे बाद फिर वापस वहीं आ जाती है, वापस जहाँ थी वहाँ से वहाँ जाता है, 3 घंटे बाद ही फिर से वापस जहाँ था वहाँ आ जाता है। अब अगर इसको चार्ट देखिए आप, इस चार्ट में तो हमारा जो शॉर्ट एक्टिंग पार्ट था जो 30% उसका वैल्यू तो नीचे आ गया, बट जो इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन था ये वाला पार्ट, ये वाला जो 12 से 16-18 घंटे काम करता है उसका पीक लेवल रहता है इंसुलिन ब्लड में 4 से 8 घंटे। तो यानी कि उस समय आपके पास खाना नहीं है, आप आँतों के अंदर फूड नहीं जो कि एब्जॉर्ब करके ब्लड शुगर बढ़ाता रहे, ब्लड सप्लाई कर सके। तो जो ये जितनी पुरानी इंसुलिन हमारी थी ह्यूमोलॉग मिक्स नो मिक्स और ये यूग्लिसेमिक, इसमें नुकसान क्या होता है कि अगर 3 घंटे बाद यहाँ पर और कुछ नहीं खाओगे तो आपको 3-3 घंटे बाद शुगर लो हो जाएगा,
प्लस आप देखो ये टाइम हो गया आपको, आप मान लो 8:30 इंसुलिन लगाया आपने, तो 4 घंटे कितना, 12:30, तो आपका उसका ब्लड में पीक इंसुलिन जाता जाएगा, बढ़ता जाएगा 12:30 से लेकर 4:30 तक। इसलिए एक आपको करीब 2.5 घंटे 3 घंटे खाना पड़ेगा 3 घंटे बाद, प्लस आपको एकदम टाइम पर ठीक करीब 2 से 2:30 बजे के आसपास आपको लंच भी करना पड़ेगा। अगर आप लंच मिस कर दोगे तो चूंकि यहाँ ब्लड में इंसुलिन बढ़ा हुआ है, आपको शुगर लो हो जाएगा। तो अगर आप यूग्लिसिन मिक्स, ह्यूमलॉग मिक्स या नो मिक्स ले रहे हैं तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है कि आप नाश्ते के 2.5 घंटे बाद खाएं, फिर लंच टाइम पर करें। प्लस इसमें एक और नुकसान होती है, अक्सर देखा गया कि डिनर से पहले आप देखें, अब यहाँ मान लो सपोज ये डिनर 8:30 हुआ, ये 8:30 हुआ तो यहाँ इंसुलिन मात्रा थोड़ी घटने लगती है। कई बार लोग कभी कभी किसी के ये डिनर पर शुगर बढ़ने का खतरा होता है, क्योंकि ये किसी के अंदर ये लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, जो इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन है, शाम तक इवन लेस देन 12 आवर काम करती है, ऐसा भी होता है किसी किसी में। तो इस इंसुलिन में अगर खाने जहाँ मिस कर दोगे खाने नाश्ते 2.5-3 घंटे बाद, तो शुगर लो खतरा होता है। तो ये नो मिक्स, यूग्लिसिन मिक्स और ये ह्यूमलॉग मिक्स, पुरानी इंसुलिन जो मिक्स स्टार्ट इंसुलिन 30 उससे अच्छी है, कि उनसे क्या होता है इसका जो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन जो है केवल 3 घंटे काम करता है। पुरानी इंसुलिन में जो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन था ये वाला, ये और लंबा काम करता था। ये पुरानी में जो ये रैपिड एक्टिंग इंसुलिन ये वाला हमारा पार्ट है, ये करीब इसका स्लो एब्जॉर्ब होता था। वो क्या होता था, वो जो हमारी जो एक्ट्रापिड है, इंसुलिन आर है पुरानी इंसुलिन, वो इंजेक्ट करने के बाद 1/2 घंटे ब्लड में जाती थी और उसका पीक पहुंचता था करीब 2 से 4 घंटे में। तो आपको यहाँ पर नाश्ते के 2.5-3 घंटे शुगर लो चांस बहुत हुआ करती थी। तो जबकि राइजोडेक क्या है, ये राइजोडेक बताऊँ आपको, तो राइजोडेक क्या है कि अभी एक नई इंसुलिन आई हुई है, ये नई इंसुलिन आई, इसमें क्या फ़र्क है, आपने मान सपोज आप 8:30 से लगाया, तो राइजोडेक ये नई इंसुलिन है जिसमें 70% लॉन्ग एक्टिंग होता है इंसुलिन। ये क्या करता है, लॉन्ग एक्टिंग कैसे काम करता है, आपने जब इंजेक्ट किया, इंजेक्ट करने के बाद ये ब्लड के अंदर जाता है करीब 2 से 4 घंटे बाद, 8:30 AM, 8:30 PM, फिर 8:30 AM, तो ये ब्लड में जाता है 2 से 4 घंटे बाद, और जाने के बाद ये स्लो एब्जॉर्ब होके इसके बाद ये ब्लड में पूरे 42 घंटे काम करता है। और अगले दिन देखो, अगर अगले दिन देखो ना, अगले दिन तो ये अगले दिन भी काम करता रहेगा ऐसे, तब तक आप अगर ऐसा फिर आप अगले दिन फिर इंसुलिन लगा लोगे। तो इस तरह क्या होगा कि ये कोई पीक नहीं, देख रहे हो इसमें कोई पीक नहीं है, एकदम फ्लैट इंसुलिन है ये। और बाकी जो 30% इंसुलिन होता है वो सेम वाला इंसुलिन है जो उसमें लगा हुआ है, जो कि इंजेक्ट करने के बाद 15 मिनट ब्लड में गया, 1 घंटे पीक कर गया, 1 घंटे पीक रहा और 3 घंटे बाद लेवल आके वापस ऐसा हो गया। तो इसमें देखा आपने कि इससे क्या फ़ायदा हुआ, हमारा ब्रेकफास्ट के बाद शुगर बढ़ नहीं पाता, क्योंकि इंसुलिन अच्छा है। तो अगर ऐसे इसका देखोगे तो शुगर कैसे आएगा, आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद जैसे खाना खाया आपने इंसुलिन नाश्ते खाने से 15 मिनट पहले लगा लिया आपने, तो क्या होगा कि खाने के बाद चूँकि ऑलरेडी इंसुलिन भी साथ जा रहा है, तो अगर मान लो शुगर यहाँ पे 90 है आपका खाने से पहले, तो मुश्किल शुगर बढ़ेगा 140-150 से नहीं बढ़ेगा, फिर नॉर्मल आ जाएगा। आपने शाम फिर इंसुलिन आपने शाम फिर इंसुलिन लगा लिया, खाना खाया फिर इंसुलिन लगाया, इस तरह एकदम फ्लैट रहेगा हमारी इस तरह। अगर यही इंसुलिन जो रात को लग गया, बात देखूँ मैं,
अगर 8:30 PM हो गया फिर 8:30 AM हो गया। इस इंसुलिन को बड़ा खतरा क्या होता है, इस इंसुलिन खतरा क्या होता है, सेम इंसुलिन जो ये ह्यूमलॉग मिक्स नो मिक्स या ग्लूसिन रात को जो लगाओगे तो रात में क्या होगा, मान लो आपने 8:30 इसको सुबह आपने इसको लगाया, आपने रात को 8:30 PM लगा लिया हमने, तो ये तो हुआ कि शॉर्ट एक्टिंग वाला ये गया ऐसे काम किए, यहाँ मान लो 8:30 AM हुआ और रैपिड एक्टिंग वाला गया ये हुआ, तो रात को आप देखोगे ये 8:30 ये मान लो 12 बज गया यहाँ पे 12 मिडनाइट हुआ और ये 3 बजे हुआ 3 AM। आप जान लो हम बॉडी को रात को 12 बजे से लेकर 3 बजे तक कुछ ऐसे हार्मोन चेंज होते हैं जिसके इंसुलिन सब बढ़ जाता है। तो आप देखो क्या हमने 10 बजे मान लो 9:30 बजे खाना खाया तो वो खाना 10 बजे तक एब्जॉर्ब हो गया, 10:30 तक एब्जॉर्ब हो गया, अब हमारे आँतों से कोई ग्लूकोज नहीं आ रहा जबकि इंसुलिन यहाँ काफ़ी है। इंसुलिन देखो आप रैपिड एक्टिंग इंसुलिन भी यहाँ पे है आपका, ये इसका पीक भी यहाँ पर है, तो यहाँ पीक है, यहाँ देख लो 12-3 बजे इंसुलिन काफ़ी मात्रा में है, जबकि यहाँ देखोगे यहाँ पे राइजोरम इंसुलिन बहुत कम है। अब अगर आप ये देखो ये लगाओगे भी इथर लगाओ इसका सभी 11 बजे ख़त्म हो गया, तो यहाँ इंसुलिन नहीं है, राइजोरम इंसुलिन कम है जबकि यहाँ इंसुलिन काफ़ी है। तो इस इंसुलिन से रात को 12-3 बजे बीच में लोग का खतरा रहता है, इसमें रात को खतरा नहीं रहता है। तो हमारा राइजोडेक क्या होता है कि ये तो सेफ इंसुलिन है, शुगर लो चांस कम होते हैं क्योंकि इसे पीक नहीं है, मतलब पीपी कंट्रोल भी अच्छा आएगा, तो ज़्यादा सेफ इंसुलिन है। तो कंपेयर टू ह्यूमलॉग मिक्स नो मिक्स यूलिसिन मिक्स राइजोडेक इज सेफर इंसुलिन, तो अगर अफोर्ड कर सकें इसको आप प्रेफर करिए। तो आई होप आपको नॉलेज मिले कि राइजोडेक और ह्यूमलॉग मिक्स नो मिक्स या यूलिसिन मिक्स में क्या डिफरेंस है। ये इन्फॉर्मेशन में आप मेरे सामने पेशेंट बैठे हुए हैं, इनका सवाल था कि हम ह्यूमलॉग मिक्स लें राइजोडेक कौन सा लें, तो ये मैं देखिए आप सारा वीडियो बनाता पेशेंट इन्फॉर्मेशन के लिए, हमें किसी कंपनी से लेन देन नहीं है, डेफिनेटली इकोनॉमी देखनी पड़ेगी। अगर जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो अगर आप ह्यूमलॉग मिक्स यूलिसिन मिक्स और आप नो मिक्स ले रहे हैं उससे भी आप सेफली इंसुलिन लगा सकते हैं, शर्त क्या रखनी पड़ेगा आपको और वो लगा रहे हैं यहाँ पे, तो ठीक ब्रेकफास्ट के बाद 2.5 से 3 घंटे बाद आपको स्नैक लेना पड़ेगा, कुछ खाना पड़ेगा, लंच के 2.5 कुछ खाना पड़ेगा और बेड टाइम पे कुछ खाना पड़ेगा। ये तीनों टाइम खाओगे और आप 3 टाइम खा लोगे बीच में, अगर आप इस समय खा लोगे तो फिर शुगर लो चांस नहीं रहेंगे, मतलब टाइम पर लंच करना पड़ेगा। इस इंसुलिन में आप मान सुबह जहाँ पर लंच नहीं किया, आप लंच नहीं भी किए तभी यहाँ इंसुलिन नहीं है, शुगर लो चांस बहुत कम है यहाँ, जबकि हमारे ह्यूमलॉग काफ़ी इंसुलिन था तो लोग चांस होता है। तो आई होप मैं कुछ समझा पाया कि आपको दोनों फ़र्क क्या है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, धन्यवाद।